और दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मजे में हो और मस्त हो। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 7 अप्रैल तक राहु और शुक्र मेष राशि में भ्रमण कर रहे हैं, जो इनकी दुश्मन राशि है। इस युक्ति का, राहु और शुक्र की युक्ति का मिथुन लग्न वह मिथुन राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये जो तीसरी राशि होती है ना, ये मिथुन राशि होती है। मिथुन लग्न वह राशि की कुंडली में शुक्र हो जो होता है, वो एक 5वें घर का मालिक होता है, एक 12वें घर का मालिक होता है, क्योंकि 5वें घर में तुला राशि आ गई और 12वें घर में वृषभ राशि आ गई। इन दोनों राशियों का मालिक शुक्र होता है। शुक्र 5वें और 12वें घर का मालिक होकर राहु के साथ अपने शत्रु के घर मंगल के घर में बैठ गया है। जहां बैठ गया है 11वें घर में, राहु शुक्र इकट्ठे अपने दुश्मन के घर मंगल के घर में बैठ गए हैं। और शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है। इसकी 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और जहां अपनी 7वीं दृष्टि से अपनी सब राशि 5वें घर को देख रहा है, क्योंकि 5वें घर में इसकी राशि है, अपने घर को देख रहा है ये। इसलिए मिथुन लग्न या राशि वाले जातकों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। एकदम से अचानक ही इन्हें कहीं से पैसा मिल सकता है, धन का अचानक लाभ हो सकता है इनको। शुक्र के कारण राहु अचानक ही इनको कोई नया अच्छा वाहन दिलवा सकता है, कोई नई अच्छी गाड़ी दिलवा सकता है और कोई अच्छा प्रॉपर्टी दिलवा सकता है, बहुत अच्छा प्लॉट दिलवा सकता है, बहुत अच्छी दुकान दिलवा सकता है। ऐसे बहुत अच्छी प्रॉपर्टी खरीदने के जोग बने हुए हैं इनकी कुंडली में। 11वें घर से मित्र भी देखे जाते हैं। जो 11वां घर होता है ना, ये मित्रों का घर भी होता है, फ्रेंड सर्कल्स का घर होता है ये। तो इनको सलाह दी जाती है कि अपने मित्रों की पत्नियों से ज्यादा घुल मिलकर बात ना करें, उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखें, ज्यादा घुल मिलकर बात ना करें, वरना कोई औरत इन पर कोई इल्जाम लगा सकती है और जिसके कारण इनकी बदनामी हो सकती है। ये 7 अप्रैल तक औरतों से डिस्टेंस बनाकर रखें। जिन जातकों ने अभी नौकरी नहीं मिली, जिन जातकों को नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कोई पेपर देना है, कोई एग्जाम देना है नौकरी के लिए, तो भाई ये समय बहुत उत्तम है। आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, ईश्वर आपको सफलता देंगे। संतान की तरक्की के लिए भी ये समय अच्छा है, मगर संतान से कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जैसे हल्की फुल्की बहसबाजी हो सकती है। इस समय आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा और काफी समय से जो आपके काम रुके हुए हैं वो आपके काम बनेंगे। ये जो 5वां भाव होता है ना, ये वाला, ये जो 5वां भाव होता है, ये किसका होता है? ये हृदय की धड़कन का होता है और पेट का होता है, दोनों चीजों का होता है। एक तो आपने अपने हृदय की धड़कन का ध्यान रखना है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ी बढ़ रही है तो फौरन डॉक्टर की सलाह लेनी है, डॉक्टर के पास जाना है। दूसरा, आपने अपने पेट का ख्याल रखना है, बाहर का खाना कम खाना है। राहु शुक्र मंगल के घर में कई बार छोटे मोटे झगड़े करवा देते हैं, किसी रिश्तेदार से कहा सुनी होगी, किसी मित्र से कहा सुनी होगी, ऐसे छोटे मोटे झगड़े करवा देते हैं। अगर ऐसे झगड़े होते हैं तो इनको आपने मन पर नहीं लगाना, ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी वो है, आरजी तौर पर हो गए, फिर कल ठीक हो जाएगा सब, सारा काम इनकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। कुल मिलाकर मिथुन लगन वह राशि वाले जातकों के लिए राहु शुक्र का ये जो युक्ति बनी हुई है, ये शुभ है, अच्छा फल देने वाली है। अगर आप बुधवार को गाय को चारा डाले तो ये आपके लिए उत्तम रहेगा। तो भाई, ये तो मेरा वीडियो था राहु शुक्र की युक्ति का, मिथुन लगन व राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर यह वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका ऋणी हूँ। थैंक्स अ लॉट।